ॐ श्री साई नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ श्री साई नाथाय नमः। धीरे माँ, धीरे, सावधानी से। ठीक है बेटा। ये लो माँ। अरे अनु, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? माँ, चंदन के घर में ना पानी भर गया है, एक दिन के लिए उन्हें अपने घर में रहने देते हैं ना माँ? तू चुप रहे, जो जहाँ है वही रहेगा ना। अब यहाँ खड़ी मत रहे, अंदर चल। पापा पापा इधर आओ ना। क्या हुआ बेटी? जल्दी चलो ना। कहाँ बेटी? आप आओ ना, बताती हूँ। पर क्या हुआ? ये देखो पापा। ए चंदन, चंदन बेटा जरा देख तो, साहब बुला रहे हैं। देख कर आता हूँ माँ। वो कबूतर देख रहा है, लेकर आना। ये लीजिए मालिक, जिंदा है। कितना अच्छा कबूतर है। शंभुनाथ आया साहब। इधर आ। जी साहब। इस कबूतर को लेकर जा जी। इसे ठीक से तल के अच्छी से डिश बना दे, जल्दी लेकर जा। ठीक है। समझ गया ना, अच्छे से बना दे। शंभुनाथ। क्या हुआ बेटी? पापा बुला रहे हैं। अच्छा मैं जाता हूँ। तुझे खेलने के लिए मेरी लड़की मिली क्या? हाँ भवानी, तुझे भी अक्कल नहीं है? बारिश में भीगकर बीमार हो गई है वो। गलती हो गई साहब जी, आइंदा ये ऐसा नहीं करेगा। अगर तेरे बेटे को मैंने फिर अपनी लड़की के साथ देखा तो मैं तुझे भी तेरे पति के पास भेज दूंगा। बेटा, अरे अरे नहीं बेटा, इसे फेंक दे, नहीं फेंक दे, फेंक दे। आ जा बेटा। अब वो कैसी है डॉक्टर? सर चेक तो कर लिया है, दवाई भी दे दी है। ओके। वायरल फीवर हुआ है, ठीक नहीं हुई तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। मेरी वजह से अनु बीमार हुई है ना, भगवान आप उसे जल्दी से ठीक कर दो। मैं चाहता हूँ वो फिर से मेरे साथ खेले। कर मंदिर नहीं आ सकती हो ना, इसलिए मैं भगवान को ही यहाँ पर ले आया। अच्छे से प्रार्थना कर लो, ठीक हो जाओगी। अच्छी तरह से प्रार्थना करना। हाँ। तुम जो धीरे धीरे ठीक हो रही हो वो इन्हीं की कृपा है। तुम्हारे हर जन्मदिन पर अगर तुम ऐसे ही प्रार्थना करती रहोगी तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छे हो ना? इस गांव से तबादले की खबर से मुझे दुख हो रहा है। मेरा तबादला नहीं हुआ होता तो इस गांव के विकास के लिए मैं कुछ करता। स्कूल बनाना चाहता था और यहाँ एक अस्पताल भी, पर मेरा तबादला हो गया, इससे मैं दुखी हूँ। Thank you.
पापा का ट्रांसफर हो गया। जानता हूँ। तुम अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ, क्या तुम फिर वापस नहीं आओगी? अगले साल आऊंगी ना, मैं मंदिर में आऊंगी, तुम भी आना। और जब मैं आऊंगी ना, तुम्हारे पसंद की गुड़िया भी लेकर आऊंगी, ठीक है? सारा सामान ठीक से रख दिया? जी साहब। सब ठीक से देखा? हाँ। चलो तुम दोनों बैठो। हाँ। पापा। बेटा, क्या बात है बेटा? मैं आती हूँ। ठीक है। हम लोग जा रहे हैं। इसे ना पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। जब भी तुम्हें मेरी याद आए ना, इसे देख लेना, ठीक है? मैं चलती हूँ। चलो जल्दी चलो, ट्रेन निकलने का है। इसे अंदर रखते हैं। सर, सर, सर। कितनी बार तुम्हें समझाया है, सोने की चीजें संभाल के रखा करो। अब मुझे क्या पता कैसे गायब होगी। बेटी तूने देखा है? बच्चे से क्या पूछती हो, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना। सर, ये चैन आपकी है क्या? हाँ बेटे, हमारी ही है। तुम्हें कहाँ से मिली ये? प्लेटफॉर्म पर गिरी थी सर। ऐसा क्या? अच्छा बैठो यहाँ। तुम क्या करते हो बेटा? प्लेटफॉर्म पर इडली बेचता हूँ सर। पढ़ने की उम्र में ये क्या काम कर रहे हो? ये लो, इसे रख। नहीं सर, नहीं चाहिए मुझे। रख लो बेटा। सर नहीं चाहिए, आप इडली ले लो ना। ठीक है बेटा, तुम्हारी इडलियाँ गर्म है क्या? ठीक है दे दो। ए, तुम्हारा स्टेशन छूट गया, अभी क्या करोगे? कोई बात नहीं सर, अगले स्टेशन पे उतर कर चला जाऊंगा मैं। अच्छा ये रख लो। सर नहीं, सर चेन नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, रख लो बेटे। सर अगले स्टेशन पर आप ही मुझे छुट्टे करवा के ले दो। नहीं बेटी, नहीं रोते आप, क्या हो गया? अच्छा आजा आजा, पापा के पास आ। पापा तुमको बहुत सारी चॉकलेट ला कर देंगे, अच्छे बच्चे रोते नहीं है। शांत हो जाओ बेटा। अच्छा भैया के पास देखो, ये तुमको खिला रहा है बेटा। अरे बेटा रोते नहीं, अच्छे बच्चे बिल्कुल नहीं रोते। देखो हंस दिया ना बेटा, वेरी गुड। ये
देखो। तुझे चाहिए? अरे क्या हुआ? मुझे विनीत की याद आ गई। अगर विनीत होता तो अपनी रेखा इस तरह अकेली नहीं होती जी। अब रोना मत। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? चंदन सर। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पापा अब वो इस दुनिया में नहीं है। और माँ? माँ पापा को बहुत पसंद करती थी, वो भी उनके पास चली गई। तुम्हारा अपना और कोई नहीं है? नहीं साहब, मैं अपने कैंटीन के दोस्तों के साथ रहता हूँ। अच्छा, तुम मेरे साथ चलोगे क्या? नहीं साहब, रहने दीजिए। अरे तुम्हें नए कपड़े दूंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा। हाँ। नहीं आ सकता साहब। मैं तुम्हें बेटे की तरह रखूंगा। नहीं साहब, वो क्या है ना कि मालिक को मुझे इडली के 7 रुपए देने हैं, इसलिए। ये तुम्हारी परेशानी है, ठीक है? तुम्हारे कैंटीन के मालिक को मैं मनी ऑर्डर भेज दूंगा, ठीक है? आज से तुम्हारा नाम है विनीत। विनीत। नहीं, आउट नहीं। नो 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 नो, ये नो बॉल है। नो बॉल? चुप, मैंने बोला ना आउट नहीं हूँ। नहीं नहीं, आउट आउट। हाँ, फ्रॉम द एम्पायर साइड। नहीं, आउट नहीं हूँ। आउट है। अरे अच्छा छोड़ो, जाने दो यार, हम कोई वर्ल्ड कप खेल रहे हैं क्या? एक काम करते हैं, हैव अ ब्रेक, हैव अ केक, फिर खेलेंगे। यहाँ पे चीटिंग नहीं चलेगी। अरे यहाँ से। अरे सुनिए। नमस्ते जी, मैं जनगणना कार्यालय से आई हूँ। यहाँ कोई चंदा देने वाला नहीं, तुम कहीं और जाकर मांग लो। वो जरा सुनिए तो। अरे पिछले 10 साल से एक को तो मैं संभाल ही रही हूँ, अब क्या तेरी भी देखभाल करनी पड़ेगी मुझे? ऐसे आते जाते को चंदा देने लगी तो बस हो गया। चलो भागो। मामा क्या हुआ, क्यों झगड़ा कर रही हो? देख बेटा, अगर तूने इसे कुछ दिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चुप रहो माँ। अच्छा, कौन से स्कूल या मंदिर से आई? ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं जनगणना विभाग से आई। देखा माँ जी, ये चंदा मांगने नहीं आई है, ये सरकारी जनगणना विभाग से भेजी गई है। कितनी बार बताया है तुमको, कान की मशीन को ठीक से लगा कर रखा करो। मैं मोहन हूँ, मेरी उम्र 40। पर पापा आपकी उम्र तो ज्यादा है। चुप। मैं संगीता हूँ, इनकी पत्नी हूँ, उम्र 37। ये हमारी बेटी रेनू है, इसकी उम्र है 16 साल। ये मेरा बेटा विनीत, इसकी उम्र है 20 साल। ये कौन है, आपकी मेहमान है? बराबर बराबर। वो कान में मशीन नहीं है। अरे ये तो हमारी सबकी प्यारी माँ है पार्वती। थोड़ा मुझे भी देना। माँ जी, ये आपको 16 साल की बोल रही है। भाई फाइनेंसर से 10 लाख रुपए का चेक मिला है, अभी तो एक नया चेहरा फाइनल कर रहा हूँ। एक बार ये काम हो गया तो कल से शूटिंग शुरू कर दूंगा। अच्छा बरकता हूँ, बाद में मिलेंगे। अरे भाई, दरवाजा आराम से खोल के नहीं आ सकते? सर मैं कोई साधारण हीरो नहीं हूँ समझे, मुझे बड़ा एक्शन हीरो बनना है, तो वैसे ही आऊंगा ना। ठीक है ठीक है,
ये क्या हुलिया बना रखा है? सर क्लाइमेक्स का फाइट ड्रेस है, माँ को बचाने के लिए मैं हर फिल्म में ऐसे ड्रेस पहनता हूँ। एक्शन हीरो बनेगा तुझे ऐसा क्यों लगता है? हा? सर इसके बाद मुझे मुख्यमंत्री भी बनना है। नाम क्या है तेरा? बाला, पंच बाला। हा? पंच बाला? हाँ सर, मैं कुछ भी बोलता हूँ तो पंच मार के बोलता हूँ। अच्छा, और बताता हूँ सर, जो मैं कल बोला था वही आज बोल रहा हूँ, जो आज बोल रहा हूँ वही आगे भी बोलूंगा। उस दिन क्या बोला था? कुछ भी तो नहीं बोला था सर। तो आज क्या बोलेगा? वही बोलने जा रहा हूँ सर, जो हो गया है वो अच्छा हो गया है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा, गीता में लिखा है। ये गीता में लिखा है? अब आगे सुनिए सर, हाथों को आगे नहीं लेता और पैरों को पीछे नहीं लेता, यही खास अंदाज है सर। अब ये किसने कहा है? वो दिन भूल गए सर क्या? एक दिन मैंने नशे में कहा था। डायलॉग तो ठीक है, एक्टिंग कैसी है? एक्टिंग स्टाइल मेरा एक्टिंग करने का है। महाराष्ट्र में 10,10,500 कचरा पेटियां हैं और उसमें कचरे के बजाय इंसानों के बच्चे गिरते हैं। शहर के हालात तभी सुधरेंगे जब आप जैसे लोग और हम जैसे लोग सुधर जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? आपको शायद ये बात मालूम नहीं है, मेरी मुंह बोली बहन भी ऐसे ही एक दिन उठा कर लाया था और उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसको अपने जान से ज्यादा प्यार किया है मैंने, लेकिन दुश्मनों ने मेरी बहन को जिंदा नहीं छोड़ा और उसका फोटो देख कर मैं उन दरिंदों को चुन चुन कर मारूंगा। सर कैसी रही एक्टिंग? शूटिंग कब शुरू करेंगे? मेरी एक्टिंग तो बहुत अच्छी है पर हम शूटिंग शुरू नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? सर पे पानी डाल के कूदने को किसने कहा था? फाइनेंस के 10,00,000 के चेक के सारे शून्य मिट गए, बस अब एक ही आंकड़ा बाकी है, सिर्फ एक ही रुपया बचा। ये कैसे हो गया सर? अरे ये क्या कर दिया बेवकूफ? एक्सक्यूज मी सर, ब्लैंक चेक बोलते रहते हो, ये ब्लैंक चेक ही तो है। तेरी तो। हेलो, 4026538, यही पूछने के लिए फोन किया है क्या? फोन रखो जल्दी। क्या ढूंढ रही हैं आप? माइकल जैक्सन। माइक टाइसन को ढूंढो, वो तुम पर ज्यादा सूट करेगा। एक्सक्यूज मी, कैन आई हेल्प यू? मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, उसके लिए कुछ खास गिफ्ट मिलेगा आपके पास? बॉयफ्रेंड का अभी देखता हूँ। हाँ, ये एक नया एल्बम आया है, बहुत अच्छे गाने हैं, उनको जरूर पसंद आएगा। अगर वो उनको पसंद ना आए तो उनको ये जरूर दे देना, उन्हें खूब पसंद आएगा और आपको सीधे कमरे में ले जाएंगे। सच बोला तो नाराज हो गए यार। क्या ये कस्टमर से ऐसी बात करते हैं? तो क्या, कब तक महीने महीने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने रहेंगे? आगे बढ़ाने के लिए हम ही को तो मदद करनी पड़ेगी ना। अब अगर उनको नुकसान लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? कैसे कैसे लोग रखे हैं उन्होंने स्टोर में, लगा देना तूने व्हाट। ए, ये कस्टमर क्यों गुस्सा हो गए? ये लोग कोई कस्टमर है क्या? बाहर जब धूप लगती है तो अंदर आकर विंडो शॉपिंग करते हैं और 10-15 सीटी देख के निकल जाते हैं। अरे मैंने ही उनको एक पंच मार के भेज दिया। सिनेमा में चांस मिलेगा बोल के जाते हो और फिर इधर ही घूम के वापस आ जाते हो, आते ही धंधा भी खराब कर देते हो। हाँ पता है, बहुत बड़े व्यापारी हो, इनके जैसे कोई बिजनेसमैन हो ही नहीं सकते। जब देखो लक्ष्मी लक्ष्मी करते रहेंगे, पता नहीं इतना पैसा लेकर कहाँ जाने वाले हैं। और जिस दिन सलमान खान बन गया ना, आप जैसे लोग मेरे आगे पीछे ऑटोग्राफ के लिए घूमते रहेंगे। मेरे कान खुले हुए हैं समझे, इसीलिए तो मैं बोल रहा था। हेलो मोहन जी, है क्या? सॉरी रॉन्ग नंबर। प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। डायल किया हुआ नंबर कृपया जांच ले वरना सिम कार्ड चेंज कर दे। इसका फोन था किसी मोहन के लिए था, मैंने रॉन्ग नंबर बोल दिया। अरे मैं ही मोहन हूँ। लेकिन आप चंद्र मोहन हैं सर। मेरे सारे खास दोस्त मुझे मोहन ही बुलाते हैं। लेकिन मैंने तो कभी नहीं बुलाया सर। क्यों मजाक कर रहा है, सारे दोस्त मुझे मोहन कह के बुलाते हैं। अरे क्या जरूरी फोन रहा होगा, आपने उधार लिया होगा वही मांगने के लिए फोन किया होगा आपको। हाँ मैं किसी से उधार नहीं लेता, उल्टा लोग मुझसे उधार ले जाते हैं। डैडी, जिस कैंटीन के लिए मैंने काम किया था उसके 7 रुपए आपने अभी तक नहीं दिए ना। इतने सालों से उसका ठीक से पता नहीं चल पाया ना, जैसे ही पता मिलेगा उसे भेज दूंगा। मुझे एक डाउट है, मैं हमेशा देखता हूँ कि कोई भी रोमांटिक फीलिंग आने से तुम कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेकर इसी तरह शुरू हो जाते हो। फेमस म्यूजिक डायरेक्टर इलैया राजा ए.आर. रहमान भी बाहर जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, समझे? स्टॉप, एक और डाउट। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं तेरी यही ट्यून सुनता आ रहा हूँ, तुझे कोई और ट्यून बजाने नहीं आती क्या? तेरी एक ही धुन सुन सुन के मैं पागल हो गया हूँ,
तू बजरंग बली के मंदिर में रोज जाता है, लेकिन अन्नु एक दिन भी नहीं आई और ना ही कभी आएगी। वो इतने टाइम में अगर तुम मंदिर के पुजारी की बेटी को भी घास डालता तो भी पड़ जाती, शादी होकर बच्चे भी हो जाते। ए, तुझे क्या मालूम प्यार के बारे में? इस भरी दुनिया में मेरी अनु मेरे लिए जरूर रुकी होगी। अरे क्या हुआ, क्यों भड़क रहा है उस पर तू? सोते समय कान में चिल्लाती है डैडी। ए, आज कौन सा दिन है? आज तेरा जन्मदिन है ना, उसके लिए इसने कितनी तैयारियां की हैं। सुबह से ये बेचारी बहुत परेशान हो रही है, पूछो इससे। अब मारो। थैंक्स अनु। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। अंकल हम दोनों जरा बाहर जाके आते हैं। बाय बाय। सुनिए जी, इस साल इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। गाड़ी पे एल साइन है क्या? गाड़ी चलानी आती है या नहीं? बीच रस्ते में खड़े होकर सीख रहे हो क्या? सॉरी, आप क्या कह रही हैं? लाइसेंस है तुम्हारे पास? लाइसेंस? लाइसेंस दिखाते हो या नहीं? लेकिन मैं आपको क्यों दिखाऊं? लाइसेंस निकालो। कमाल, लाइसेंस निकालो। लाइसेंस दिखाओ, ऐसे पूछ रही जैसे ट्रैफिक पुलिस हो। ये लो मेरा लाइसेंस। तुम्हारा नाम क्या है? चंदन मैम। इसलिए जानबूझकर टकराया? अरे चंदन नाम होने से क्या होता है, मैं ठीक करवाता हूं ना स्कूटर आपकी, बहुत ट्रैफिक है यहां पे, देखता हूं मैं। गाड़ी को हाथ मत लगाना। अब क्या हाथ लगाया तो पुलिस को बुलाऊंगी। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस क्यों बुला रही हैं आप? फिर बड़ा एक्सीडेंट करने के बाद पुलिस को बुलाते हैं। अरे मेरी बात सुनिए आप, सुनिए तो, सुनिए मेरी बात। अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ भाई, तुम सुनो मचा रहे हो। देखिए जी, इनकी वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहीं देखा है। अरे ये वही लड़का है, इसकी वजह से उस दिन भी एक्सीडेंट हुआ था। देखिए आपकी गाड़ी रिपेयर करवा के देता हूँ, आप ऐसे भीड़ मत जमा कीजिए प्लीज। सर ब्रेक टूट गया है, पीछे का मडगार्ड पिचक गया, इंडिकेटर भी टूट गया। इंडिकेटर? अरे गाड़ी आगे से टूटी है, इंडिकेटर कैसे टूट गया? हेलो मैकेनिक, तुम हो या ये मैकेनिक से ज्यादा जानते हो? चलो पुलिस स्टेशन चलो, चलो। अरे रहने दीजिए, मैं रिपेयर करवा के देता हूँ ना भाई, ठीक कर दो, ठीक कर दो। इसके लिए काफी खर्चा आएगा, 500 रुपए एडवांस दे दो, बाकी मैं बाद में बताता हूं। सामान का तो इतना लगेगा ही साहब। कहाँ फंस गया यार मैं तो। क्या मुसीबत है, पता नहीं किसका मुंह देकर उठा था सुबह यार। लेट्स गो। कहाँ? कहाँ क्या, मुझे कौन ड्रॉप करेगा? तुम्हारे पापा। हे भगवान। स्टॉप स्टॉप, यहीं रुको। यहाँ रुको? लेकिन मैं यहाँ क्यों रुकूं? चाबी रह गई। अरे ये चाबी लेकर कहाँ जा रही हो? कान में लगाने के लिए। क्या मुसीबत है यार। छी, आज का दिन ही खराब है, पता नहीं ये स्टाफ वाले क्या क्या करते रहते हैं, काम में एक कभी ध्यान नहीं है। मुझे अपना ड्राइवर समझ रही है क्या ये? हेलो, मुझसे कुछ कहा क्या? देखो मेरे से पंगा मत लेना। देखो ये गलत है। क्या गलत है? हा? अरे मुझे मेरी चाबी दो, मुझे जाना है। तो फिर मुझे ड्रॉप कौन करेगा? कहाँ? रुको रुको रुको। मैं अच्छी लड़की हूँ इसलिए छोड़ रही हूँ। तो एहसान थोड़े कर रही हो। तुम्हारा एड्रेस दो। एड्रेस क्यों चाहिए तुम्हें? बिल भेजने के लिए। अरे इस एड्रेस पर बिल भेजूंगी, पे कर देना। अरे कहाँ लेकर जा रही हो? लाइए मुझे दीजिए। लीजिए। सर पढ़ तो लीजिए। जरूरत ही नहीं, ये टाइटल ही गलत है। मंगल को चाहिए मंगल, ये भी कोई टाइटल हुआ? डैडी
डैडी मम्मी ये भी कोई टाइटल है? ओहो बेटी तुम हो, मैडम जाइए जाकर कुछ अच्छा सा नाम सोच कर लाइए, जाइए जाइए। ठीक है सर। आओ बेटी बैठो। कैसे हैं डैडी? ठीक हूँ। अब जब तुम आई हो तो कुछ पैसे चाहिए होंगे, कितने चाहिए? ओनली 2000। 2 लाख पूरे हो गए। तुम यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो? सॉरी सर मैं कुछ भूल गया। टाइम खराब मत करो, जल्दी बोलो क्या बोलना है। सर शादी की बारिश की कहानी खत्म हो गई, सोचता हूँ अगली वाली किसी दूसरे से लिखवाएं तो। इसको किससे लिखवाएं? वो बाल कुमार उससे लिखवाएं तो कैसा रहेगा, वो बहुत पॉपुलर है। करेक्ट सर। मैं कहती हूँ वही कीजिए डैडी, यूथ को पसंद आए ऐसी कहानी लिखवाइए, किसी नए राइटर को बुलाइए। वेरी गुड। जिसकी सोच फ्रेश हो डैडी। वेरी गुड आइडिया। किससे लिखवाएं? पता नहीं कब तक नौकरी करनी पड़ेगी। हम आपके हैं कौन है क्या? मैं ही आपका सब कुछ दिखाऊं क्या? क्या? ये कैसे चलेगी? सीडीज नहीं है क्या? सीडी वहाँ पीछे देख लो। थैंक यू। ओके ये रख दो। धंधे पे ध्यान दे। अरे वही तो मैं कर रहा हूँ, कितनी भागदौड़ करता हूँ मैं। हाँ नमस्ते, मोहन बोल रहा हूँ। तू जो भी हो मुझे उससे क्या? फोन दे तेरे बाजू में जो खड़ा है। तेरा ही फोन होगा, जरा देख ले। मैंने तो किसी को अपॉइंटमेंट नहीं दिया था। हेलो पंचवाला स्पीकिंग, हु इज ऑन द लाइन? तुझे इंग्लिश नहीं आती मुझे मालूम है, विनीत को फोन दे। एक मिनट मैडम, कोई बहुत गुस्से में लग रही है और तुझे पूछ रही है, ले। हेलो। हाय मैं श्रुति बोल रही हूँ। श्रुति? कौन श्रुति? इतनी जल्दी भूल गए, वही एक्सीडेंट मैकेनिक। विनीत तो नहीं है? नहीं है, कहाँ चला गया? विनीत तो कहाँ चला गया? ये क्या है? कितने दिन के लिए गाँव गया? महीने भर के लिए गया है क्या? तो फिर तुम कौन हो? चलो चले। वो जल्दी करो। विनीत ये कौन लड़की है? अभी आता हूँ, यहीं पास में थोड़ा। जाओ जाओ भाई जाओ। बाला कौन है ये लड़की? लेके तो जा रहा है वो और सवाल पूछ रहे मुझसे, वाह। आखिर तुझे किसी ने पसंद कर लिया। हाय श्रुति, हाउ आर यू? या आई एम फाइन, कैसी हो? हाय, यू आर ग्रेट। सो हाउ इज इट गोइंग? सब अच्छा चल रहा है। अरे ये लेडीज के फंक्शन में इस लड़के को कहाँ से ले आई? ये तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, बस कंपनी के लिए ठीक है। बाय। ये कहाँ औरतों के बीच में फंसा दिया? नहीं यार ऐसा नहीं है। एक्सक्यूज मी। हाँ ये तो लेडीज फंक्शन है, मैं निकलता हूँ। तो मुझे कौन ड्रॉप करेगा? हाँ? इतनी सारी लड़कियाँ हैं, देखने में भी इंटरेस्ट नहीं है क्या? जाओ मेरा वेट करो। हाँ तो बताओ। हे भगवान, इसे छुटकारा कैसे मिलेगा? आए हाय, ये सैंपल कहाँ से पकड़ के ले आई? टाइम पास करना है क्या? हाय ऐसा बकरा कहाँ मिलेगा? अरे क्या तू भी चुप। अरे किसी को पता है इस फंक्शन में वो कौन सा गाना गाते हैं? अरे कोई भी हो गाना गाओ ना यार। ऐसा कोई गाना है ये भी मुझे पता नहीं, तुझे पता है? अरे ऐसे गाने के बारे में जब मेरी माँ को पता नहीं तो मुझे कहाँ से पता होगा। किसी को पता ही नहीं चला ना कि कब शादी की उम्र हो गई। एक्सक्यूज मी। हाँ? तुम ये फंक्शन छोड़कर क्यों जा रहे हो? मैं पहली बार ऐसे फंक्शन में आया हूँ, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बहन की शादी है। मेरी दुआएं इसके साथ हैं। विनीत, तुम इतने अच्छे हो गए ये मुझे मालूम नहीं था। अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो आई एम सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। थैंक यू। आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। ओके ओके बाय बाय। पंच बाला माँ, पंच देके कोई डायलॉग बोल तो। दूध पीना सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, टीवी में दिखाते हैं, खूब पियो खूब जियो। मैं तुझसे सवाल पूछ रहा हूँ, तू उधर क्यों देख रहा है? सर कैमरे की तरफ देख के बात करूंगा तभी तो ऑडियंस ताली बजाएगी। जवाब तो आया नहीं। आएगा सर, आप सिर्फ मुझे एक चांस देकर देखिए, पूरे भारत को पागल नहीं किया मेरा नाम नहीं। नहीं दूं तो पूरा हिंदुस्तान आपके सामने खड़ा हो जाएगा। वो क्यों? मुझे अपने चांस क्यों नहीं दिया ये पूछने के लिए। डरा रहे हो क्या? ओवर कॉन्फिडेंस है। चांस देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, खुद को एक्शन हीरो बोलता है, कुछ करके दिखा।
महाराष्ट्र के संदीप डांगे साहब, इस अंडरग्राउंड मोगैम्बो को मेरे सामने लेकर मत आना, समझे? अगर गलती से भी उसको सामने लाए तो उसको कपड़े की तरह धुलूंगा। मैं उसे मार दूंगा, काट दूंगा, विष पिलाऊंगा, लटका दूंगा, जला दूंगा, गाड़ दूंगा उसको। तुझे पिक्चर में लूंगा तो बिना डबिंग के ही हिंदी पिक्चर बन जाएगी और हिट हो जाएगी। नहीं सर, भूल से भी ऐसी गलती मत करना, नहीं तो आपकी पिक्चर फ्लॉप। देखो तो चेहरे पे ये दर्द, ये आंसू, तू तो इमोशनल ड्रामा भी कर लेगा। अरे सर, वो तो गलती से अंदर घुस गया, पता नहीं कैसे बाहर निकलेगा। मतलब? जोश में आकर चाकू गलत जगह घुसा दिया, चाकू पॉकेट में जाने के बजाय कहीं और चला गया है साहब। मैं आता हूँ सर। ए, अरे वो चाकू तो देता जा। अभी नहीं दे सकता सर, डॉक्टर के पास जाऊंगा, ऑपरेशन होगा, जब चाकू निकलेगा तो आपको कुरियर कर दूंगा सर। अरे इस बचे हुए को रखकर क्या करूंगा। हाई पिच में जाके ये तो गाना भी गा सकता है। अरे अरे अरे, चांस मांगने आया था लेकिन जाने से बुरा होके जा रहा हूँ भाई। दोनों जगह चाकू घुसा है। मुहूर्त देख के घुसवाया हूँ भाई, मैं एक चाकू का स्टैंड हूँ। चाकू स्टैंड? हाँ। पेन स्टैंड तो मैंने सुना है, अगरबत्ती स्टैंड भी सुना है। हाँ। चाकू स्टैंड क्या होता है? अब मैं एक मजाक उड़ाने का सामान बन गया हूँ भाई। सर, सर, चाकू घुस गया, मैं फुसो हो गया। सर, कोई चीज अगर कहीं से गिर जाए तो उसे क्या करना चाहिए? जहाँ से गिरी वहीं वापस डाल देनी चाहिए। ए अनु, ये ले तेरा बोर्डिंग पास। थैंक यू। सब कुछ संभाल के ले जाना। हाँ ठीक है, तुम कुछ बताने वाले थे ना? कौन, मैं? हाँ, भूल गए क्या? हाँ, चंदन के बारे में। एक दिन तुम्हारी डायरी पढ़ी, तुम्हारे बचपन का दोस्त चंदन और तुम दोनों के बचपन के प्यार और अपने साथ बिताए हुए हर लम्हे के बारे में लिखा है तुमने। मेरी आशाएं तो नहीं, पर मेरे माँ बाप की आशा, तुम्हारे माँ बाप की आशा, सभी को लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। उन्होंने ही तुम्हें विदेश में पढ़ाया है। अब क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा। मैंने तुमसे सिर्फ एक छोटी सी आशा रखी थी, लेकिन उसने तुम पर पूरा भरोसा किया है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके, अब चलती हूँ। बाय। ए अनु। हाँ? जन्मदिन पर जब तू मंदिर जाएगी और तुझे चंदन मिले तो मुझे फोन जरूर करना। अरे 2 साल कंप्यूटर कोर्स क्या कर लिया, अमेरिका में रहने वाले लड़के से शादी करने जा रही है। स्टूपिड फेल। स्टार्ट कैमरा। हाँ उतरो। ओके भैया। ठीक है भैया, ये बदमाश लोग हमेशा तंग करते रहते हैं। वो लोग जो चाहे करें, तुम ध्यान मत देना, ठीक है? जा। ओके बाय। अरे यार, जब ये इतनी बढ़िया है तो इसकी माँ कैसी होगी? तू इतना बड़ा मवाली है तो तेरा खानदान कितना घटिया होगा। ए, क्या बोली तू? छोड़ मुझे भैया। भैया बचाओ। Oh!
मैं तो मंत्री जी के बेटे का दोस्त हूँ सर। सर ये झूठ बोल रहा है, ये मवाली है सर। नहीं सर, चाहे तो आप फोन करके पूछ लीजिए सर। मंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट है, इस प्रोजेक्ट को ओके कर दीजिए। फिक्र मत करो, आपके अलावा किसी और को नहीं मिलेगा। हेलो हेलो सर, मैं एसीपी बोल रहा हूँ। सर ये बाला नाम का लड़का कह रहा है कि मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ, बीच रास्ते पर ये झगड़ा कर रहा था। बेटा श्रीधर। यस डैड। बालाजी करके तेरा कोई दोस्त है क्या? यस डैड। बालाजी के साथ जो लड़का झगड़ा कर रहा है उसे रिमांड पर रख लो और उसको छोड़ दो। ठीक है सर, चलो ले चलो इसको। सर सर मैं जानता हूँ तू कौन है, जो भी कुछ कहना थाने में कहना, वहीं सुनवाई होगी। हवलदार ले चलो। सर सर एक मिनट सर, इसकी कोई गलती नहीं है सर। यस, आप कौन? मैं टीवी रिपोर्टर हूँ श्रुति। ये और इसके दोस्त लोग कॉलेज के सामने खड़े होकर लड़कियों से बदतमीजी करते हैं, वो इस कैसेट में रिकॉर्डेड है। विनीत को छोड़ दीजिए और इसको अरेस्ट कीजिए। अगर ऐसा नहीं किया तो आज के प्रोग्राम में ये वीडियो टेलीकास्ट होगा और आपके सीनियर से लेकर सारे डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ेगा। ए, उसको ले चलो, इसे छोड़ दो। ए, चल, 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 अंदर, चल, 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 चल। थैंक यू श्रुति, सही वक्त पर आकर तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाती। आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। थैंक यू श्रुति, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते मैडम, आप आ गई? मम्मी शाम को आएंगी ऐसा कह करके गई हैं। और डैडी? काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं वो। सर इडली चाहिए सर। ये तुम रखो। अनु, 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 अनु। दादा यहाँ कोई लड़की आई थी क्या? हाँ आई तो थी, वो इस तरफ को गई है। इस तरफ गई है? हाँ इस तरफ। ओके। अच्छा ये बताओ बेटी, आगे और क्या करना चाहती हो? आगे पढ़ना चाहती हो या कुछ और? अभी कुछ डिसाइड नहीं किया डैडी। तो फिर शादी की तैयारी शुरू करें? उसकी क्या जल्दी है? शादी नहीं करनी, पढ़ाई का नहीं सोचा तो फिर करना क्या है? क्यों जी, अभी तो पढ़ाई पूरी करके आई है, अभी से उसके पीछे पड़ गए। बेटी आपका फोन। हेलो। हेलो। हाय अरुण, एक्सक्यूज मी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। चंदन से मुलाकात हुई? नहीं अरुण, मैं बहुत अपसेट हूँ। तो अब क्या सोचा है? मैं सोच रही हूँ अरुण,
बचपन में हुई बातों को किसी कहानी का रूप दे दूं, जिससे मेरा मन हल्का हो जाए। क्या? हाँ, हो सकता है मेरी लिखी किताब पढ़कर चंदन मुझसे मिलने आए। क्यों, ऐसा चमत्कार हो सकता है ना? तुम्हें ये सब कॉमेडी जैसा नहीं लगता क्या? ये टीवी, ये इंटरनेट वगैरह, तुम्हारी किताब को शायद 10% लोगों ने ही पढ़ा होगा। उन 10% लोगों को भी मैं मिस नहीं कर सकती। जोक्स डिपार्टमेंट लेफ्ट, शेयर मार्केट राइट, स्पॉट पीछे है, न्यूज बगल वाले में। सर, मैं एक कहानी लिखकर लाई हूँ। कहानी? मैं यहाँ पिछले 5 सालों से हूँ, मुझसे एक लेख नहीं लिखा गया। तुमने कहानी कहाँ से लिख ली? सर प्लीज, मुझे प्रकाशक साहब से मिलना है। प्रकाशक साहब बाहर गए, 2 दिन बाद आएंगे। जब वो आएंगे तब तुम आ जाना। सर दिमाग मत खराब कीजिए, जाइए। क्या बात है मणिश जी? यस, कौन है? किसी लड़की से इस तरह से बात करते हैं क्या? क्या काम से आई हैं आप? मैंने एक कहानी लिखी है, उसे छपवाने के लिए लाई हूँ। ओह, तो कहानी लिखकर लाई हैं? अंदर जो बैठे हैं ना, वो पूछेंगे तुम्हारी माँ लिखती है क्या, पिताजी लिखते हैं क्या, दादा लिखते हैं क्या, दादी लिखती हैं क्या, ऐसे पूछकर तुम्हारा सर खा जाएंगे। डैडी, मैं आपके बारे में ही बात कर रही हूँ। मैं सब सुन रहा था। उनको अंदर भेज दो। गो प्लीज। इसकी कॉपी बनवा दो। ये एक सत्य कथा है सर। इज इट? कहाँ की है? नासिक की है सर। ये किसकी कहानी है? तुम्हारी? मेरे दोस्त की है। ओ, नाम क्या है? चंदन। नहीं नहीं, इस कहानी का नाम क्या है? सिसकियां। अच्छा है। हो जाएगा, डोंट वरी। खत लिखे हैं, पर तुमने अभी तक कहानी क्यों नहीं पढ़ी? तुम कब पढ़ोगे? कब मेरे पास आओगे? कैपिटल मैगजीन देना। चेंज दीजिए। चेंज तो मेरे पास भी नहीं है, आप देखे ना प्लीज, होगा तो। अच्छा देखता हूँ। ये लीजिए। ये लो तुम्हारी मैगजीन। हाय, ले आई तुम? थैंक यू भैया। खुश, अब जितना दिल चाहे उतना पढ़ो। पता नहीं क्या है इस मैगजीन में, पागल रहते हैं लोग। वंडरफुल, फैंटास्टिक। मेरे स्टाइल अच्छे लगी ना आपको? ओहो, मैं तेरे स्टाइल की बात नहीं कर रही। इस बुक में एक लव स्टोरी है, लेखिका का नाम है रेणु। सुपर्ब लव स्टोरी। स्टॉप इट, लव स्टोरी के बारे में पंचबाला से बात मत करना, कुछ एक्शन हो तो बोलो। मैं पढ़ के सुनाती हूँ। ओके, प्रोसीड। प्यार का मतलब है आंखों की भाषा। कैसी लगी भैया? ये सब बकवास है, मैं अच्छी तरह से प्यार के बारे में बताता हूँ। सुनो सुनो भाइयों, चाहे बादाम खाओ, चाहे पिस्ता खाओ, चाहे अखरोट खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, ये सब भी प्यार के जैसे नीचे से निकल जाते हैं। खाते समय कैसी बातें करता है, इसके सामने मशीन लगाना बेकार है। डैडी डैडी, क्या है बेटी? डैडी, इस पुस्तक में सिसकियां नाम की एक लव स्टोरी है, इसमें क्या होता है पता है? रुक 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 रुक, ये लव स्टोरी एक जैसी ही होती है। हीरो हीरोइन से प्यार करता है, घर वालों को मंजूर नहीं होता, वो घर से भाग जाते हैं, फिर पूरा देश घूम कर वापस आ जाते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। डैडी, मेरी बात सुनिए तो सही। तुम्हारे डैडी को हजारों काम पड़े हैं, तुम कॉलेज में कुछ पढ़ती लिखती हो कि नहीं? जाके पढ़ाई करो। ए विनीत, इसमें सिसकियां नाम की एक लव स्टोरी है, एक लेखिका है रेणु, इसमें एक लड़का है चंदन नाम का, जिसकी दोस्त है अनु। एक दिन अनु के पापा का तबादला हो जाता है, तो जाते समय चंदन को घड़ी देकर जाती है, फिर वो मिल नहीं पाते। इसके बाद क्या होता है ये अगले हफ्ते के लेख में बताएंगे, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। एक्सक्यूज मी गर्ल्स, शादी का फंक्शन यही है ना? नहीं, इस तरफ रिसेप्शन है, शादी का फंक्शन वहाँ है। आपका ऐसा फंक्शन कब होगा? बताऊं क्या? All right. आओ 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 रेनू, तुम इतनी लेट हो गई। By the way, श्रुति, ये रेनू है। डैडी, आपको मैंने ही इनसे इंट्रोड्यूस करवाया था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
ए, जाके सिर्फ बुके देकर आना, अपने पंच डायलॉग मारे तो पंच वाला आज मुंह से नहीं बोलेगा, करके दिखाएगा। ए, क्या करने वाला तू? जुग 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 सर। थैंक यू सर। जमाई राजा एक दो तीन बोलो। हाँ सर। अरे बोलो तो सही, अभी पता चल जाएगा। टू थ्री ये है पंचवाला, मैंने पहले से ही बम लगा के रखा था। ऐसे ही मेरे बेटे को हार्ट प्रॉब्लम है, तुझे क्या जरूरत थी बम फोड़ने की? क्या हार्ट प्रॉब्लम? अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। निकल यहाँ से, निकल पड़ेगी तुझे। अरे यार तू जहाँ भी जाता है लफड़ाई करता है। अरे मैं कोई जानबूझकर लफड़ा थोड़ी करता हूँ यार, हो जाता है। हाय विनीत, व्हाट अ सरप्राइज। हां हां, बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। चले चलते। अरे अब तो हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना, आओ तुम्हें अपने डैडी से मिला दूं। डैडी बोलो बेटी। विनीत ये मेरा फ्रेंड है। हेलो जेंटलमैन। सर आई एम बाला, इसका बेस्ट फ्रेंड। ओह हाय। कैपिटल मैगजीन के एडिटर आप ही है ना? यस। अपने फ्यूचर के बारे में एक मिनट बात कर सकता हूँ क्या? व्हाई नॉट, प्लीज एक्सक्यूज मी, आ रहा हूँ। सर लोग मुझे पंचवाला के नाम से जानते हैं। वो तो आपने बताया। सर मैं फिल्म का हीरो बनना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट। सर आपके मैगजीन में मेरा फोटो छप सकता है क्या? नो चांस। अंदर वाले पेज पे? वहाँ पर तो ऑलरेडी हीरो की फोटो लगी। तो सेंटर पेज पर? कार्टून कॉलम और जोक्स। तो सबसे लास्ट में? वो पन्ना तो एड्स के लिए। सर सर एक मिनट सर, इस मैगजीन से मुझे कोई पहचान मिल सकती है जिससे कि मैं फेमस हो जाऊँ? वेरी सिंपल, तुम एक काम करो, हमारी मैगजीन खरीद लो, पहचान हो जाएगी। मेरी इंसल्ट कर दी इसने। एक दिन इनको दिखा दूंगा मैं हूँ पंचबाला। एक दिन सारी दुनिया में गली गली में मेरे नाम के मंदिर होंगे, और एक दिन यही सारे लोग मेरे पीछे पीछे घूमेंगे मेरा फोटो छापने के लिए, और मेरी ही वजह से बढ़ेगा मैगजीन का सर्कुलेशन। तब पता चलेगा इनको मैं क्या हूँ, मेरा नाम जपेगी ये दुनिया। बोलो मानते हो ना मेरी बात को? सर आप जैसा इतना बड़ा निर्माता यहाँ पर और इस हालत में? ये सब वक्त का खेल है। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए। आज मैं लेट तो नहीं हूँ ना? बिल्कुल टाइम पर हैं आप। कहाँ चले गए ये लोग? आई एम सॉरी। इट्स ओके। Excuse me, I am Suresh, MP का बेटा। वैसे तो चार पैक के बिना मुझे चढ़ती नहीं, लेकिन आज आपको देखते ही नशा चढ़ गया, क्या बात है। ए, चलो प्रोग्राम शुरू हो रहा है, चलो चलते हैं। शिट। इस वार्षिक समारोह में आए हुए सभी आदरणीय लोगों का तथा मंत्री जी का मैं अपने तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तुमने देखा उसे? श्रुति पापा बुला रहे हैं। ओके मैं चलती हूँ, बाय। चलो चलते। अभी ऐसी ऑन करना। सॉरी यार मुझसे निकल गया, बुरा मत मानना, चलना चल। आइए आइए। नमस्ते 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 नमस्ते। तूने मुझे मारा था ना, अब ये ले। क्या बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हो तुम दोनों? हाँ रेडी हो गई हो? चलो 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 आओ। चलो सब तैयार हो गए। अच्छा बकरा फंसाएगी अब तुम्हें। जब देखो इसके साथ मजाक करते रहते हो। अभी नहीं, ये सब बाद में देखेंगे। अच्छा अच्छा।
ये है मेरी बेटी रेखा, बीएससी फाइनल में। आपको एक ही औलाद है? नहीं, एक बेटा भी है, बुलाना तो उसको। विनीत, पता नहीं कहाँ गया। विनीत, विनीत अंदर क्या कर रहे हो? बाहर आओ। विनीत बाहर आ जाओ बेटा। ये है मेरा बेटा। नमस्ते। नमस्ते। इसको कहीं देखा हुआ मैंने? देखा होगा जरूर, शॉप में ही रहता है। जी नहीं, कहीं और देखा है। उस दिन ये मेरी दुकान पे कई लड़कों के साथ लड़ाई कर रहा था, ये वही लड़का है। सर आपने किसी और को देखा होगा, मेरा बेटा कभी गलत काम करता ही नहीं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, उस दिन मेरे दुकान पे इसी ने उधम मचाया था। पूछ लीजिए इससे, ये सच है कि नहीं। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, कुछ तो बोलो। एक मिनट सर। विनीत सर क्या बोल रहे हैं? सच है डैडी, उस दिन एक मसले में गलती से इनको लग गई थी। ए, क्या गलती से लग गई थी? तूने उस दिन मारपीट की कि नहीं? गलती से मेरा हाथ आपको लग गया था सर। बहुत हो गया, मैं आप लोगों से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। जानबूझकर आपको नहीं मारा था सर। तूने जानबूझकर के किया या नहीं, अब मुझे रिश्ता नहीं करना है। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर। सर आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं सर। ये तो कह रहा है ना सर, जानबूझकर इसने नहीं किया, आप बुरा मत मानिए। उनके बारे में पता चली जाता है, अब मुझे रिश्ता नहीं करना है। क्या पता चला? अरे यही कि मवाली की बहन को अपने घर की बहू नहीं बना सकता। जिस घर में मवाली रहते हैं उस घर में मैं अपना रिश्ता जोड़ ही नहीं सकता। तुम लोग खड़े होकर क्या मुंह देख रहे हो? चलो सर, 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 नहीं सुनना सर, प्लीज सर मेरी बहन से शादी मत तोड़िए सर। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ सर, मैं इस घर का सदस्य नहीं हूँ सर। बेटा रुक जा तू। मुझे बोलने दीजिए पापा, मेरी वजह से शादी नहीं रुकनी चाहिए सर। सर प्लीज सर, बचपन से ही मेरे माँ बाप नहीं थे, मैं एक अनाथ हूँ सर। रेलवे स्टेशन पे इडली बेचता था सर, मुझे इन्होंने लाकर बड़ा किया, मेरी वजह से रिश्ता मत तोड़िए सर। सर प्लीज सर, मेरी बहन बहुत अच्छी है सर, पढ़ी लिखी है सर, अच्छा गाना गाती है, अच्छा रंगोली भी बनाती है, अच्छा खाना भी बनाती है, बहुत अच्छी लड़की है सर। आपके घर को बहुत खुशियों से भर देगी सर। सर प्लीज सर। विनीत ये क्या कर रहा है तू? सुनिए सर जी, ये मेरा बेटा है, मेरा अपना बेटा है। इच्छा है तो रिश्ता जोड़िए, नहीं तो चले जाइए। मैं अपनी बेटी की शादी आपके घर नहीं कर सकता, जाइए। इतना सुनने के बाद भी तुम लोग खड़े हो, चलो यहाँ से। ऐसा तूने क्यों बोला विनीत कि तू मेरा बेटा नहीं है? क्या मैंने तुझे अनाथों जैसा पाला है? ऐसा कभी मत बोलना। पर मेरी कोई गलती नहीं थी डैडी, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। देख विनीत, आइंदा से तू ऐसी बातें मत करना, तू मेरा बेटा है, मेरा बेटा। डैडी विनीत की इसमें कोई गलती नहीं है, उस दिन कॉलेज में मुझसे बदतमीजी करने वालों को इसने मारा था, तो मैं उनके पैर पकड़ने की क्या जरूरत थी? मुझे ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं करना। ए, चुप रह। एक दिन मैंने बोला था कि हर अरे गेरे को घर में नहीं लेना चाहिए, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अच्छा रिश्ता आया था, टूट गया। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्यों क्यों ऐसे घूर के देख रहा है? अपना नसीब ही खराब है, सब बिगाड़ के रख दिया इस मनहूस ने। हाँ ले आओ, और बहुत बच्चे पड़े हैं दुनिया में, बेचने वाला, पेपर बेचने वाला, केला बेचने वाला, कॉफी बनाने वाला, सब। पियो पियो ना। अरे रे रे रे, पूरा ही खत्म कर दिया तूने तो। आप बोलो, तू मेरा बेटा है ना? अभी क्या, मैं तो हमेशा आपका बेटा हूँ डैडी। ट्रेन से उठाकर लाया था तुझे, मैं तो भूल गया, लेकिन अभी तक तूने इस बात को कैसे याद रखा? तू हमेशा ही मेरा बेटा रहेगा, मेरा बेटा है रे तू। अरे बाप रे बाप, इतना ज्यादा बिल, इतना ज्यादा कैसे हो गया? मैं भी इतना ज्यादा पैसा लेकर नहीं आया। ओह अब क्या करें, तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? मेरे पास कुछ भी नहीं है डैडी। मैं मम्मी को फोन करूं क्या? ऐसा मत करना, जब मैं पीकर घर जाता हूं तो अंदर नहीं आने देती, अगर ये जान गई कि तूने भी पिया है तो वो मारना ही शुरू कर देगी।
एक मिनट डैडी। क्या क्या कर रहा है तू? हेलो ए विनीत, क्या हुआ? वी आर स्टडी। डैडी ये सर इतना क्यों घूम रहा है? ऐसा ही होता है, चल वहाँ है गाड़ी। अंकल गाड़ी इस तरफ है। थैंक यू, इधर है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। चाहो तो मैं ड्रॉप कर देती। नो 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 नो, वी आर स्टडी, कम ऑन माय सर। विनीत अच्छा श्रुति, मैं जाता हूँ डैडी के साथ। ओके बाय। ओके बाय। चलो विनीत, संभल कर जाना। चलो डैडी। हाँ चलो। अंकल अंकल, इस देवी जैसी लड़की ने हम लोगों को बचा लिया। विनीत, थैंक यू श्रुति, थैंक यू। इट्स ओके, आओ बाहर आओ। विनीत ए संभल कर। विनीत चाहे जो, मेरी बहन की शादी नहीं रुकनी चाहिए। विनीत विनीत, तुम बहुत अच्छी हो श्रुति, बहुत अच्छी। ये लो इसे रखो। तुम ऐसी रहना श्रुति, ऐसी रहना। थैंक यू। ये तुम्हारा है विनीत? कोई बात नहीं श्रुति, इसे तुम रख लो। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो श्रुति, तुम बहुत कुछ हो। यू आर बेटर देन फ्रेंड श्रुति। क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? तुम मुझे बहुत पसंद हो श्रुति, बहुत पसंद हो। चाहे तो ट्राई करके देख सकते। ट्रायल रूम कहाँ है? वहाँ पीछे। शॉपिंग करने आई थी, पर ये वॉच अचानक इसमें से आवाज आने लगी। पता नहीं कैसी घड़ी है। तुम्हें कैसे पता चला? ये वॉच तुम्हें कहाँ मिली? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दी। उस दिन फंक्शन में जिसे तुमने मेरे साथ देखा था ना विनीत, उसी ने मुझे दी। इतने दिनों से मैं समझ रही थी कि हमारे भी सिर्फ फ्रेंडशिप है, लेकिन कल जब उसने मुझे ये वॉच प्रेजेंट की तो मुझे पता चला कि वो मुझसे प्यार करता है। चलती हूँ।
नमस्ते 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 नमस्ते। मैं अपने को कुछ एडवाइस दे रहा था इसलिए थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, ये मेरी पहली फिल्म है और यही मेरी पहली शूटिंग। आप मुझे हीरो के तौर पर ले रहे हैं, आप बहुत तरक्की करेंगे। डायरेक्टर आपके सीन क्या है बताएंगे मुझे? यस सर, एक अच्छा सा डॉक्टर जनाज सिंह बेचकर बड़ा बंगलो बनवाता है। सुपर, आपका एक बाप, एक माँ, एक भाई, एक बहन, ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी। अच्छा है, आगे बताइए। आपके पिता एक कार लेते हैं और उस कार में आपकी पूरी फैमिली पिकनिक पर जाते हैं। वहाँ एक फैमिली सॉन्ग होता है सर। इसमें पंच नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है, फोर्स नहीं है, सब कैसे? बाला सर, आप अपने तरीके से ही बनाइए। मैं तो बना लूंगा पर डायरेक्टर की फीलिंग सीलिंग सब। अरे आप कहानी बदल लीजिए, अगर उसमें कुछ परेशानी आई तो हम डायरेक्टर को ही बदल देंगे। जी आपके ये सर। क्या कहूँ, वो तो ठीक है, आगे ऐसा होता है। जो कार हम लोगों ने ली है ना, उसका क्या है, मेरा भाई कार के सामने एक नींबू बांधने जाता है जिससे कि बुरी नजरों से बचे रहे। ये जाने बिना मेरे पिता कार में बैठकर कार स्टार्ट करते हैं और भाई गाड़ी के नीचे आ जाता है। देखना देखना, सेंटीमेंट सेंटीमेंट, ऐसे दुआ करके जब वो रिवर्स लेते हैं तो गाड़ी के पीछे बम्पर में काला धागा बांधती रहती मेरी बहन बुरी नजर से बचने के लिए, और वो इस तरह गाड़ी के नीचे आ जाती है और इतना बड़ा अनर्थ हो जाता है। पिताजी दरवाजा खोलकर मंदिर में जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं, और अगले ही सीन में नीचे बिना देखे जाते हैं और आगे गटर का ढक्कन खुला होता है, उसमें गिर जाते हैं, उसे पकड़ने का दम। समझ गई ना? तो फिर माँ की डर गई। माँ? हाँ, कट किए बिना मंदिर में इस घटना के बारे में जाने बिना मेरी माँ सांप को दूध पिलाती रहती है ना? कैसा लगा? और उसके बाद कोई जाकर सब मामला बताता है और माँ बहुत ही इमोशनल होकर ओ जी ऐसा आवाज देती है। तब उसके हाथ में जो लोटा होता है वो स्लिप होकर सामने सांप के बिल में गिर जाता है। मैडम, अरे अरे चांदी का लोटा गिर गया कहकर मेरी माँ सांप के बिल में हाथ डालती है और उसे कटा हुआ कुछ महसूस होता है, लेकिन वो लोटा बराबर ढूंढने में लगी रहती है और अंदर जो सांप होता है मेरी माँ के हाथ को काट लेता है और मेरी माँ की भी कहानी यही खत्म। अब मैं ऑलमोस्ट अनाथ हूँ सर। ऑलमोस्ट अनाथ, टाइटल तो बढ़िया है। तो फिर यही टाइटल रख लेते हैं, अनाथ बाला, अनाथ बाला। चुप करो, कहीं लोग सच में अनाथ ना समझने लगे। सुनो, जब समाज के रीति रिवाजों ने मेरे परिवार की हत्या कर ही दी है तो ऐसा सोचकर ये पंच बाला भड़क जाता है, भड़क जाता है, भड़क जाता है और उस वक्त पंच बाला डायलॉग मारना शुरू करता है। जिसका परिवार नहीं वो अनाथ नहीं, जिसका कोई मकसद नहीं होता है वो अनाथ होता है। माना कि मैं बीच रास्ते पर खड़ा हूँ लेकिन मेरा बड़ी बेसब्री से इंतजार करे 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोग। अरे वाह, क्या डायलॉग मारा है। हाँ। लेना पड़ेगा। लौटा चप लाओ। ये कैसा लगा? सुपर सर। और वो 6 करोड़ की बात सबसे जबरदस्त थी सर। फिल्म जल्दी रिलीज करोगे ना? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर? क्योंकि थोड़े ही वक्त में अपने देश के 100 करोड़ लोग अपने देश की आबादी 150 करोड़ कर देंगे। ठीक है सर, लेकिन इस पूरी कहानी में फायर नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा डीपली सोचिए सर, डीपली डीपली, थोड़ा हटके सोचिए सर, थोड़ा हटके। बेकार दस्तूर को मैं लगाने वाला हूँ आग। कहीं से जलने की बू आ रही है। अरे फायर ब्रिगेड को बुलाओ जल्दी, जल्दी बुलाओ फायर ब्रिगेड को। अरे आग लग गई, भागो 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 भागो। फाइनेंसर मैडम के बाल को आग किसने लगाई? अब आप ऐसा ही कहेंगे, स्क्रिप्ट में फायर दिखाओ बोला तो फाइनेंसर के सिर पे आग लगा दी। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, रुक भागो। पंच वाला की एंट्री कुछ हटके होती है। क्या रे, धरती पर खोई हुई चीज को आसमान में ढूंढ रहा है? टाइमेक्स खो गई तो टाइटन खरीद के पहन ले, लेकिन तेरा तो टाइम ही खो गया है। देख सर मत घुमा, घड़ी खो गई है इसलिए टेंशन में हूँ, परेशान मत कर, जाए यहाँ से। विनीत, कल रात जो लड़की आई थी उसे ये पैसे दे देना। कौन सी? क्या कहा? कल रात को लड़की आई थी? आ हाँ, मुझे बताए बिना यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। अरे 1000 रुपए, मैंने कभी मांगा तो 500 रुपए भी नहीं दे तुम लोग। चल जा शॉप में जा जल्दी, भलाई का जमाना ही नहीं रहा आजकल। अरे बार में आकर जिसने पेमेंट दिया था वो लड़की। कल हम बार में गए थे ना? हाँ। कल पैसे भी कम पड़े थे ना? हाँ। श्रुति भी वहां आई थी ना? हाँ बेटा। मैं अभी आया। हे हे, श्रुति है क्या? श्रुति, श्रुति। Who's that? मैं विनीत। कौन? विनीत? हाँ, हाय। क्या हुआ विनीत? मेरी घड़ी खो गई है, कहीं तुम्हारे पास तो नहीं छूट गई? वही पूछने आया था। हाँ, तुमने तो मुझे दी थी वो। शुक्र है, जान में जान आई। वो मुझे दे देना। वन मिनट। हाँ। Thank you.
थैंक यू श्रुति, मुझे घड़ी मिल गई। लेकिन तुमने तो कहा था तुम रख लो। सॉरी श्रुति, मुझे माफ कर दो, मैं आज जी रहा हूँ तो इसी घड़ी की वजह से। मैं बचपन से जिससे प्यार करता हूँ उसी अनु का दिया हुआ यह गिफ्ट है, यह मैं किसी और को नहीं दे सकता। अनु ने दी? वो कहाँ रहती है? वो कहाँ रहती है तो पता नहीं मुझे, लेकिन 10 साल से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। 10 साल से? हाँ। अगर वो तुम्हें नहीं मिली तो? वो मुझे जरूर मिलेगी, इसी भरोसे मैं अब तक जिंदा हूँ। डैडी। क्या हुआ बेटी? मैं लंदन जाना चाहती हूँ। लंदन? हाँ डैडी, हायर स्टडीज के लिए। ये तू क्या कह रही है, मैं तो तुम्हारी शादी की तैयारी में लगा हूँ। अभी शादी का नहीं सोचा, मैं और पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हेलो। हाय रेनू, अब तक घर में हो? तैयार नहीं हुई क्या? क्यों, भूल गई क्या? आज तुम्हें फ्रेंडशिप डे के लिए इनवाइट किया था मैंने। नहीं श्रुति, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरा मूड नहीं है। मूड वहाँ जाते ही ठीक हो जाएगा। नहीं श्रुति, मेरी बात मान। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम आ रही हो बस, तुम्हें आना ही होगा। सभी को मेरा नमस्कार। आज फ्रेंडशिप डे है, इसी विषय पे बात करेंगे। आज के तारीख में नौजवान लोग प्यार, दोस्ती, इन सब चीजों को अच्छी तरह समझते हैं। चाहे एक जवान लड़की हो चाहे एक जवान लड़का, प्लानिंग के साथ वो लोग एक जगह पे मिलते हैं और किसी को पता भी नहीं चलने देते। एक साथ बैठकर प्यार के सपने देखते हैं और प्यार के सपनों में ही खो जाते हैं। आइए जानते हैं जवान लोगों के क्या विचार हैं। सर, मुझे लड़कियों से बात करना, उनसे फ्रेंडशिप करना, प्यार करना पसंद नहीं। क्यों, ऐसी कौन सी परेशानी है तुम्हें? सर, परेशानी कुछ नहीं सर, सर उन्हें क्या चाहिए होता है पता है सर? वो अक्सर चाहती हैं कि उन्हें देखकर उनकी तारीफ करें, इसलिए लड़कियां हमसे प्यार करती हैं, लाइन देती हैं सर, और आखिर में अमेरिका से जो ग्रीन कार्ड लेकर आता है उसके साथ शादी करके चली जाती हैं, और हम जैसे लोगों का सिर्फ फायदा उठाती हैं। मतलब लड़कियों को प्यार करना, उनकी केयरिंग करना, ये सब टाइम पास है? इसमें पूछने की क्या बात है सर, यही बात है। ये बात गलत है सर, इनकी सोच लड़कियों के बारे में तो बहुत ही ज्यादा गलत है सर। हम दोस्ती भी करें तो ये उसे प्यार समझते हैं। हम सिर्फ एक ही लड़के से दिल लगाते हैं, हम सच्चा प्यार करते हैं और ये लोग दिखावा करते हैं। प्यार दोनों में बराबर का होना चाहिए। आई लव यू अगर कोई दिल से कहे तो उसके लिए सात समुंदर भी पार कर सकते हैं। सब कुछ है सर, बाइक ना हो तो कहीं भी चलने से इनकार करती हैं। ये क्या सात समुंदर पार करेंगी? तुम बैठो, इस तरह की बातें नहीं करते। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है ना सर? मैडम जी, अब्दुल कलाम जी के पीछे किस औरत का हाथ था और वाजपेयी जी के पीछे किस औरत का हाथ था? वो लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़े क्या? मैं एक लड़की से बहुत ही फ्रेंडली तरीके से पेश आती थी सर, लेकिन उसने मुझे गलत अप्रोच किया सर। गलत अप्रोच किया था? क्या उसने लव लेटर दिया था? ऐसा नहीं है सर, घर में कोई नहीं था, इसका फायदा उठा के मुझे। चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हम लड़के नहीं होते, लड़कियां ही होती हैं। लड़कों की लाइफ में कोई भी चीज खो जाए तो उसकी वजह लड़कियां ही होती हैं। सर, प्यार में धोखा खाकर कभी लड़कियों को दाढ़ी बढ़ते हुए देखा है क्या? शराब पीकर सड़क में घूमते हुए देखा है क्या? लड़कों की जिंदगी बर्बाद होने की वजह ये लड़कियां ही होती हैं। प्यार किसी और से करती हैं, शादी किसी और से करती हैं, इनकी फितरत है सर, इसीलिए देवदास बनकर लड़के अपना अंत कर लेते हैं। सर, लड़के जितना प्यार को महत्व देते हैं उतना महत्व लड़की नहीं देती है, नहीं देती है, कभी नहीं देती है सर। स्टॉप इट, ये जो कह रहे हैं ये गलत है सर। तुम्हें जो कुछ कहना है मंच पे आके कहो। माइक मिले तो ये पॉलिटिशियन की तरह कुछ भी कहने लगते हैं सर, सच्चाई जानने के बाद ही बात करनी चाहिए। और ये लड़कियों के बारे में जानते हैं क्या है? एक खूबसूरत लड़की देखते ही उसके पीछे पड़ जाते हैं। मर्दों के प्यार की शुरुआत कहाँ से होती है? बस स्टॉप से, ऑफिस से, कॉलेज से, आस पड़ोस से ही शुरुआत होती है। पर लड़की को तो प्यार ऐसे नहीं होता, उसे तो सीधा दिल से प्यार होता है। वो जिस किसी को भी अपना दिल देती है वो जिंदगी भर उसका इंतजार करती है। आप लोग इस तरह इंतजार कर सकते हैं क्या? उतनी सहन शक्ति तुम लोगों में है क्या? और उतना भरोसा तुम लोगों में है क्या? उनके प्यार में जितनी सच्चाई होती है उतनी तुम लोगों में है क्या? Thank you.
पर इतना इमोशनल हो गई? क्या हुआ है तुम्हें? तुम भी मेरी तरह प्यार में हार गई? ये क्या कह रही हो तुम? विनीत तो तुमसे प्यार करता है ना? एक्चुअली मैं ऐसा सोच रही थी, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता। क्यों, क्या हुआ? उसने जो वॉच मुझे गिफ्ट दी थी वो उसने वापस ले ली। बचपन से वो एक लड़की से प्यार करता है, उसी ने उसे वो वॉच गिफ्ट में दी थी। वो कहाँ है उसे नहीं पता, लेकिन 10 साल से वो उसी के इंतजार में है। ये लोग तो वन वे ट्रैफिक की तरह बातें कर रहे हैं। लव सक्सेस हुआ तो भी सही, फेल हुआ तो भी सही। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं 10 साल का था तब मेरी एक लड़की से दोस्ती थी, उसके पिताजी का ट्रांसफर हुआ और हम दोनों बिछड़ गए। उस दिन से लेकर आज तक मैं उसे याद किए बिना एक भी दिन नहीं रहता हूँ सर। मेरे अंदर जो दोस्ती थी वो बढ़कर प्यार में बदल गई। रुको रुको रुको, प्यार में दोस्ती थी क्या करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब तुम्हारी उम्र 10 साल की थी और उस लड़की की? 8 साल सर। 8 साल की? तब तो उसकी उम्र खेलने कूदने की थी, प्यार के बारे में क्या जाने? मुझे बताओ प्यार कैसे हो सकता है? प्यार का मतलब भी जानते हो तुम? नजरों का मिलना, आपस में हाथ पकड़ना, वेटिंग, मीटिंग, ग्रीटिंग, टचिंग, ये सब जाने बिना तुम कैसे कह सकते हो कि प्यार हो गया? वो सब मुझे नहीं पता सर, बस प्यार हो गया सर। बचपन में तुम्हारी लड़की से दोस्ती हो गई ये ठीक है, मगर तुम उसे प्यार कहो वो कैसे मानेगी? सीधी सी बात है सर, वही अनु है, पता चलने पर वही मेरा प्यार है, मैं उसे नहीं बताऊंगा सर। जैसा आपने बताया वेटिंग, मीटिंग, ग्रीटिंग, टचिंग, ये सब होने के बाद ही बताऊंगा सर। लेकिन मैं उसे चाहता रहूंगा और वो भी मुझे चाहिए, मैं भगवान से दुआ करता रहूंगा सर। उसके बाद ही मैं उसे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। अच्छा तो ये बात है। तुम तो बहुत ही ब्रिलियंट निकले यार, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। जरूर करूंगा सर। कैसे कह सकते हो? मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है सर। तुम्हारे भगवान कौन है? बजरंगबली सर। हाथ मिलाओ। वाह क्या भगवान सेलेक्ट किया है तुमने, प्योर ब्रह्मचारी। उन्होंने तो कभी शादी ही नहीं की, तुम्हारी शादी कैसे होने देंगे वो? वो हमें जरूर मिलाएंगे सर, उन्होंने राम और सीता को भी तो मिलाया था। गुड, वेरी गुड। और इतना ही नहीं सर, बिन माँ बाप के अनाथ बच्चे को उन्होंने एक माँ बाप भाई बहन दादी एक पूरा परिवार दिया सर, वो मेरे प्यार से भी जरूर मिलाएंगे। तुम्हारे इस विश्वास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनु के साथ बिताए हुए पल तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पल रहे होंगे, उसके बारे में कुछ और बताओ। बताना क्या है सर, गाकर सुनाता हूँ। तुम्हारे प्यार के लिए शुभकामनाएं, जल्द से जल्द तुम उस लड़की से मिलोगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसी से तुम्हारी शादी हो जाए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ए, क्या बोल रही हो? इतने दिनों बाद तुमने चंदन को देखा और उससे बात भी नहीं की? बात करने को मन तो किया, लेकिन स्टेज पर चंदन कहने लगा मुझे जानने के बाद भी वो अपनी पहचान नहीं बताएगा, मेरे पीछे पीछे आकर मुझे लाइन मारेगा और जब मैं पट जाऊंगी तब बताएगा वो चंदन है। ओ ऐसा क्या? अगर वो खेल खेल सकता है तो मैं नहीं खेल सकती क्या? ठीक है, तो अब क्या करने वाली हो? मैं भी तब तक उसके साथ खेल खेलूंगी। आइडिया तो इंटरेस्टिंग है, मगर आगे क्या प्लान है? मैं फोन रख रही हूँ। विनीत देखना, सिग्नल अगर रेड हो तो समझ लो आगे नहीं जाना है, और अगर किसी के कान के बाल पक जाए तो समझो ऊपर जाने वाला। हाँ गुस्सा क्यों होते चाचा, आगे देखो। चुप रहे ना, जब देख तब किसी ना किसी का मजाक। अरे छोड़ ना, सच बोलने में किसका डर है। अरे विनीत देख, मुझे लाइन दे रही है इसलिए मैं स्लीव्स फोल्ड नहीं करता। आम से देखकर जब उसका यह हाल हुआ है, टोटल बॉडी देखेगी तो पूरा सरेंडर कर देगी। चलो आगे बढ़ो। अरे यार तुमने सिर्फ 2 इडली ऑर्डर की? आजकल मैं अपनी बॉडी मेंटेन कर रहा हूँ विनीत। जो 1 बार खाता है वो योगी, जो 3 बार खाता है वो भोगी, जो 4 बार खाता है वो रोगी, और जो तू बेवक्त कुछ भी खाता रहता है वो इस देश का द्रोही है। इससे कुछ पूछने बेकार है। हाय। ओ हाय, बैठिए ना। सिग्नल वाली। थैंक्स। क्या लेंगी आप? वेटर, वन चॉकलेट आइसक्रीम। ओके। ए बाला, मैंने कहा था ना टीवी पर बहुत अच्छी स्पीच दी थी इन्होंने। वो यही है क्या? आपका बच्चा कैसा है? व्हाट, सॉरी यार, मैं इसको पेप्सी वाली उमा समझकर कंफ्यूज हो गया। इनका नाम मीनू है। ओ, मेरा नाम बाला है, पंच बाला। कितना अजीब नाम है आपका।
चुप रहना, चुप। ए, तू मेरे बॉल को क्यों छू रहा है? इसे लड़का का क्यों रखता है? फैशन है, बाला कॉपी नहीं करता। उस दिन आपने भी बहुत अच्छी बातें की। थैंक यू। मुंह में आइस और बात करती है नाइस, ये है पंच बाला। मस्त है। कौन है? जहाँ भी जाती हूँ मुझे सताता है। इंटरनेशनल इडियट, एमपी का बेटा है। एमपी देश को अच्छी राह दिखाता है और उसका बेटा लड़की को इस तरह लाइट दिखा रहा है। आग लग चुकी है, अब मैं खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकता। छोड़ो मुझे। अगर तू एक बाप की औलाद है, अगर तेरे नाम के आगे एक इडियट लगता है, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो बाथरूम कहाँ है बताओ। ये पर्सनल कहाँ से फोन आ जाते हैं। सॉरी रॉन्ग नंबर। ए, वो 50 सीडीज मांग रही थी। ये सब लेने पर कुछ फ्री मिलेगा क्या? अरे मैं फ्री हूँ, ले चलिए। शट अप। ए, कस्टमर से ऐसे बात करते हैं? सॉरी मैम। सिग्नल वाली, ये तो यहाँ भी मुझे ढूंढते हुए आ गई। How much for this? ये मुझे कितनी देर से लाइन दे रही है, मुझे ही कुछ करना होगा। Hi. Oh, hello. मेरे पास कला है, तुम्हारे पास सुंदरता है, इसे बर्बाद मत होने दो। टेंशन बहुत ज्यादा हो गया है। विनीत, देखा, कल रेस्टोरेंट में आई थी, आज स्टोर में आ गई। आई थिंक शी इज इन लव। प्यार नहीं होगा, मैंने तो फंक्शन में कहा था कि मैं एक बचपन की दोस्त से प्यार करता हूँ। अरे पागल कहीं का, वो तुझसे प्यार नहीं करती। मुझसे करती है। किस वजह से ऐसा कह रहा है? पिए तो होता ब्रांडी, निकले तो होता उल्टी। यार पहले बात तो बता। बता रहा हूँ यार, जहाँ भी जाता हूँ वहीं चली जाती है, उसे देखकर नहीं लगता शी इज इन लव विद मी। तो फिर तू भी उसे प्यार करना। नो, सॉरी, नो। मेरे लिए 100 करोड़ फैन बाहर इंतजार कर रहे हैं। उनकी नजर में मैं एक महान एक्शन हीरो बनूं, या उनकी इच्छा है। और तू क्या चाहता है कि मैं इससे प्यार करूं? ए सुन, यहां सिर्फ कला है, लव नहीं है। तू ये बात कैसे भी उसे बता दे। सुन, उसे फर्स्ट टाइम बुरा लगेगा, लेकिन किसी भी तरह से उसे समझा दे। मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अरे मैं उसे कैसे बता सकता हूं यार, मुझसे ये सब नहीं होगा। न्यूज़पेपर के ऑफिस में जा रही है। अरे मैंने उससे प्यार किया है, मैंने उससे किस किया है, यही बात छपाने के लिए जा रही होगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, आज ये किस्सा ही खत्म करके रहूंगा। रुकिए सर, अंदर नहीं जा सकते। उस लड़की को अंदर जाने दिए तो हमें क्यों रोक रहे हो? वो राइटर रेणु है, सिस्किया उन्होंने लिखी है। सिस्किया? अरे इन्होंने भी तो हिचकिया नाम से कहानी लिखी है, इसी सिलसिले में एडिटर साहब से मिलना, हमें जाने दीजिए। चुप रहना यार, ये तो राइटर रेणु है। मेरी बहन इसे बहुत पसंद करती है, हम इसे घर ले जाकर अपनी बहन से मिलवाएंगे तो बहुत खुश हो जाएगी। इसे लेकर चलते हैं। तू ही लेकर जा उसे। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ और तू उसे मेरे गले बांधना चाहता है। मैं नहीं आऊंगा। जा अंजना यार, देख उसके सामने कोई हरकत मत करना। हाय, आप यहाँ कैसे? हाय, हम आपसे ही मिलने आए हैं। मुझसे? आप ही सिस्किया कहानी लिख रही है ना, ये मुझे अभी पता चला। मेरी बहन को आपकी कहानियां बहुत पसंद है। मैं सुपर गुड वाले के पास जाकर आता हूं। रुकना, चुप बैठना। मेरे घर चलेंगे तो मेरी बहन को बहुत अच्छा लगेगा। उस जैसे फैन के लिए मैं मना कैसे कर सकती हूँ, मैं जरूर चलूंगी। थैंक यू। चलिए चलना, चलना हम बाइक से चलते हैं, आप हमारे पीछे आइए। okay. पंचवाला आगे रखा हुआ कदम पीछे नहीं रखता, जरूरत है साइड में रख लेता है। अब देखो पीछे मुड़कर देखेगी। मत देख, कार स्टार्ट नहीं हो रही कहकर हम लोगों से लिफ्ट मांगेगी। कार स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने कहा था ना, अब एक काम कीजिए, ये बाइक चलाएगा और आप पीछे बैठ जाइए। तो फिर आप? मैं हूँ एक कलाकार, मेरे काम की नहीं है मोटर कार। मैं कहाँ जाता हूँ, कैसे जाता हूँ, किसी को नहीं पता होता, चलता हूँ। वो थोड़ा क्रैक है, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, बैठिए।
आइए। रेणु, यही हमारा घर है। ए रेणु, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये आपको कहाँ मिली भैया? देख रही है ना इसकी खुशी, इसीलिए मैं आपको लेकर आया। आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, हर हफ्ते मैं पढ़ती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। मामी डैडी, सिस्किया नाम की स्टोरी की जो राइटर है ना, ये वही रेणु है। वेलकम वेलकम। नमस्ते। तुम वो कहानी लिखती हो, देखने में तो बहुत छोटी हो। सिस्किया सिस्किया करके रोज चिल्लाती रहती है, अब राइटर को ही यहाँ लेकर आ गया, अब तुम जानो और वो जाने। क्या तुम जानो और वो जाने, ये कहानी तुम पढ़ो इसीलिए तो लिखी थी, पता नहीं तुम कब समझोगी, जल्दी से पढ़ो और समझो। मंडे आने तक मेरा सर फटने लगता है, चंदन और अनु मिलेंगे या नहीं यही टेंशन रहता है, उन दोनों को मिलवा दो ना प्लीज। ये मेरे भाई का रूम है। थोड़ा पीने के लिए पानी मिलेगा क्या? जरूर, अभी लाई। पानी लाई, चाय कॉफी नहीं लाओगी? सॉरी सॉरी, अभी लेकर आती हूँ। खुशी हुई। चलती हूँ आंटी। रुको बेटी, खाना तो खा कर जाओ। मैं फिर कभी आकर खा लूंगी। ठीक, बाय। अंकल, बाय अंकल। अरे बेटी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुम आई हो। फिर कभी आऊंगी। जब दिल करे तब आ जाना। ये लो इसे पकड़ो, ये लो बेटी तुम भी पकड़ो। हाँ आइए रेणु जी। हाय, कैसी हो? अच्छी हूँ। त्योहार के दिन आओगी तो ये बाला पड़ जाएगा, समझ रही हो क्या? अगली दिवाली बड़े धूमधाम से मेरे साथ मनाना चाहती हो क्या? ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे प्यार के भूत को अपने सर पर नहीं चढ़ने दूंगा, समझी क्या? हेलो, आओ बेटी आओ। थैंक यू, विश यू द सेम। चंदन कहाँ हो तुम? मैं एक आग हूँ, मुझसे कोई नहीं टकरा सकता, और जो भी मुझसे टकराएगा राख बन जाएगा। मेंटल है क्या? लग तो रहा है। अच्छा तुम्हारा भाई कहाँ है? ए विनीत, उठना। डिस्टर्ब मत करो। आज दिवाली है, उठना। अरे कहाँ है कि दिवाली, जाओ एक घंटे बाद आना, जाओ। ये ऐसे नहीं मानने वाला, जग भर के पानी डालना पड़ेगा इसके ऊपर, आप यहीं रुको। सुने देना। अरे सॉरी रेणु जी, आप यहाँ कैसे? क्या हुआ क्या हुआ? तुम पानी लेने गई तो मैं उठाने की कोशिश कर रही थी, आपने मेरी चिमटी क्यों ली? अरे रे, मैंने चिमटी कहाँ ली, मैंने तो सिर्फ टच किया था। क्या सिर्फ टच किया? कैसे टच किया मैं बताऊँ? ऐसे। तुम लोगों ने पागल समझ रखा है क्या मुझे? जल्दी पहचान लिया। हाथ छोड़ो। पहले सॉरी बोलो तब हाथ छोड़ूंगा। नहीं कहूंगी, हाथ छोड़ो। जब तक सॉरी नहीं बोलोगी हाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने हाथ नहीं छोड़ा तो जिंदगी भर हाथ थामना पड़ेगा। बाय, चलती हूँ अंकल। संभल कर जाना। आपके घर आने से ऐसा लगता है जैसे यहीं रह जाऊं। क्यों नहीं बेटी, इसे अपना ही घर समझना, जब मन करे आ जाना, ठीक है? Okay. हाँ फिर आना बेटी, संभल कर जाना, बहुत देर हो गई।
आने वाली 5 तारीख को मुंबई में मेरी शादी है। पहला कार्ड तेरे फ्रेंड विनीत को ही दूंगा। हाय अनु, हाउ आर यू? आई एम फाइन बेटा। फाइन अंकल, हाउ आर यू? सब ठीक चल रहा है। तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। और बेटी, अरुण ने तुम्हें सब कुछ बना दिया है ना? हां हां, कार्ड बांट दिया। हां, हम सबको कार्ड बांटने हैं। मैं और अरुण जाकर आते हैं, ठीक है बेटी? बाय। ओके बाय बेटा। बाय अंकल। बाय। नमस्ते सर। आओ भाई गंगाधर, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है, अभी हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। हम पर आपकी दुआ रही तो मेरी उम्र तो बढ़ती रहेगी सर। ठीक है बैठो। तुम क्यों खड़े हो, तुम भी बैठ जाओ। तुम्हारी बेटी फॉरेन से पढ़ के आई है ना? हाँ सर। मेरा बेटा श्रीधर तुम्हारी बेटी से मिल चुका है, उसे वो पसंद है कह रहा है। अगर आप चाहें तो बातचीत कर लेते हैं। क्या हुआ गंगाधर? सर, मैं स्कूटर से चल रहा था तो आपने मुझे कार से चलने के लिए कहा। आप कार से चल रहा हूँ तो आप फ्लाइट से चलने के लिए कह रहे हैं, मैं भला क्यों नहीं चलूंगा? आओ बेटी, आओ। यही मेरी बेटी है। लड़की तो बहुत सुंदर है, अब मुझे पता चला कि मेरा बेटा इतना उतावला क्यों हो रहा था। मैं अंदर जा रही हूँ। अरे बेटी कहाँ जा रही हो, आओ बैठो, साथ में खाना खाते हैं। नहीं अंकल, मैंने खा लिया। चलेगा बेटी, सर्व करो, शर्माओ मत। कुछ चाहिए तो मांग लेना। प्लीज जरा करी लेकर आएंगे? आने वाले एमपी इलेक्शन में देखना, मैं ही जीतूंगा। आपने कभी हारना सीखा है क्या सर? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। अंकल, आपको करी चाहिए क्या? मुझे नहीं चाहिए बेटी, मेरे लिए दही बहुत है, मैं ठंडा ही खाना खाता हूँ। सब कुछ अच्छा हो, भगवान से ऐसा ही प्रार्थना करो। क्यों बहन जी? जी, जी भाई। अच्छा, हम चलते। अच्छा सा दिन देखकर हम दोनों की शादी तय कर देंगे। ओके सर, संभल कर जाइएगा। ए अनु, रुक जा, खुद को क्या समझती है? होने वाले पति से ऐसे पेश आते हैं क्या? मुझे वो पसंद नहीं है बस। हमें तो वो पसंद है। क्या क्या हो रहा है यहाँ? देखिए ना, शादी से इनकार कर रही है। ठीक है तुम जाओ, लेकिन आप तो कुछ समझाइए। बेटी क्या हुआ? देखो बेटी, मैं जबरदस्ती किसी से तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा। अगर तुम किसी और से प्यार करती हो, बताओ बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। बताओ, बेफिक्र होकर बताओ। हाँ डैडी, प्यार करती हूँ। कौन है वो? चंदन डैडी। चंदन से? हाँ डैडी, जब हम नासिक में रहते थे, हमारे पड़ोस के घर में एक लड़का था चंदन, मैं बचपन से उसी से प्यार करती हूँ। अपने घर के सामने एक छोटे से झोपड़े में रहता था? हाँ डैडी। अब वो कहाँ रहता है? इसी शहर में रहता है। यहाँ? वो करता क्या है? बिजनेस करता है डैडी। अगर तू उसे चाहती है तो मैं उसी से तेरी शादी करवाऊंगा। जाओ, आराम से जाओ। थैंक यू डैडी, थैंक यू। जाओ बेटा। क्या डैडी, आप क्या सोच रहे हैं? अपनी रेखा की शादी की चिंता हो रही थी। लड़का अच्छा मिल गया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, लेकिन शादी इतनी जल्दी रख ली है और इतनी जल्दी सब कुछ कैसे क्या होगा, बहुत टेंशन हो रही क्या है। क्या हुआ, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मेरी बहन की शादी है, धूमधाम से करवाएंगे। इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। क्या क्या करना है मुझे बताइए, मैं फटाफट कर दूंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आइए चलिए खाना खाते हैं, आइए। हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इसके नाम की कहानी हमारी मैगजीन में छपती है बेटी, वही तुम्हारी सहेली रेनू लिखती है। रेनू लिखती है? उसने फ्रेंडशिप डे पर जो हुआ वो भी लिखा है क्या? कुछ इंटरेस्टिंग बात के लिए लिखा होगा। उसकी उम्र कितनी कम है, लेकिन लिखती बहुत बढ़िया है। एक एंटीक वॉच
उससे इस कहानी को कितना सपोर्ट मिला है पता? क्या एंटीक वॉच? इसके पहले की सारी कहानी कहाँ है डैडी? रिकॉर्ड रूम में होगी। हेलो। हेलो विनीत, मैं श्रुति बोल रही हूँ। हाँ बोलो श्रुति। मायापुर मैगजीन में सिस्किया नाम की कहानी आती है ना, वही जो रेणु लिखती है उसमें पूरा जिक्र तुम्हारे बारे में किया है। बचपन में जिस लड़की ने तुम्हें वो वॉच दी थी और फ्रेंडशिप डे पर जो हुआ उस सब के बारे में लिखा है। ये क्या कह रही हो तुम? तुम जल्दी से वो कहानी पढ़ो। मेरे ख्याल से इस कहानी की जो अनु है वो शायद रेणु ही है। आई कैन बिलीव दिस। विनीत, ऐसा लग रहा कि 440 वोल्ट का करंट लग गया तुझे। ये अनु कौन है मुझे पता चल गया। ऐसा कौन है? अरे अनु और कोई नहीं, वो अपने घर आती है ना, वही रेनू, वही है अनु। इतने दिनों तक नाम बदल कर मुझे तड़पा रही थी यार। शुक्र है, अगर मैं उसे लाइन देता तो इसकी वाट लग जाती। एक्शन हीरो इसी काबिल नहीं रहता। अब तुम क्या करोगे? अनु को फोन करना। इतनी सी बात है? करो। हेलो। हेलो अनु है क्या? वो तो किसी की शादी में नागपुर गई हुई हैं। किसकी शादी? मलेशिया में रहते हैं, उनके अंकल के बेटे अरुण, उन्हीं की शादी है। वो कब आएगी? पता नहीं साहब। किसका फोन है? पता नहीं साहब। हेलो कौन? क्या रे, राइट नंबर में रॉन्ग कनेक्शन। अनु के पापा थे। अनु फिलहाल अरुण की शादी में नागपुर गई हुई है। तो चल फिर नागपुर चलते हैं। ए, कौन सा मंडप है ये भी तो पता नहीं। ए, जहां शादी होगी वहां बारात होगी और दूल्हे के सर पर सेहरा होगा और शादी के कार्ड पर मंडप का पता होगा। अब वो कार्ड कहाँ है? स्टोर में। चल ए, जल्दी जल्दी लाइट जला जल्दी। ए भगवान, चारों तरफ अंधेरा क्यों दिख रहा है? ये तेरा चश्मा उतारना। ओहो चश्मा पहना हूँ, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या करें? ए भगवान, रुक 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 रुक, टेंशन मत ले, मिल जाएगा। कैंडल कहाँ है? कैंडल कहाँ है? चल जाने दे, इस पेपर को जलाता हूँ, जला होगा। ले अब अच्छी तरह से ढूंढ इसे, वहाँ अंदर देख। अच्छा ऊपर ऊपर देख, ऊपर इसे देखना। हाँ अरे जल्दी देख, बुझ जाएगी, जल्दी जल्दी देख। अरे बुझ जाएगी यार, जल्दी देख। शादी के कार्ड को हम ढूंढ रहे थे, वही तूने जला दिया। क्या बात कर रहा है? चलिए तो बड़ा अच्छा हुआ कि सिर्फ दुल्हन का नाम ही जला है, लेकिन मंडप का एड्रेस और फोन नंबर सलामत है। चल जल्दी कर, फोन कर, चल चल जल्दी जल्दी चल। बेटी आपका फोन। हेलो हेलो हेलो, मैं विनीत बोल रहा हूँ। व्हाट इज सरप्राइज, कौन है? जस्ट अ मिनट, ये नंबर तुम्हें कैसे मिला? दिल में चाहत हो तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। ए, ये उम्मीद और रास्ते क्या लगा रखा, जल्दी काम की बात कर। अच्छा विनीत, अचानक फोन किया? वो अरुण को मुबारकबाद दी। अच्छी, लगता है ऐसे टाइम पास करेगा ये। रियली उसी के लिए फोन किया है क्या? नहीं, तुम कब आ रही हो जानने के लिए फोन किया था। क्यों? एक जरूरी बात करनी थी। ए, अभी फोन पर ही बोल देना। मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम कब आ रही हो? नेक्स्ट संडे। मैडम हीरो आने ही वाला है, शूटिंग स्टार्ट करते हैं। देख कर कीजिएगा सर, पिछली बार तो मेरे बालों में आग लग गई थी। हाँ मैं संभाल लूंगा मैडम। हाँ बोलिए ना, मैं पंचबाला ही बोल रहा हूँ। क्या हुआ, मैं एमपी बनूंगा ऐसा पोस्टर छापने वाले हो? ये मेरी शान के खिलाफ है। सीएम बनने वाले हो ऐसा न्यूज छापो। आजकल मुझे हिंदी फिल्मों में बहुत ऑफर आ रहे हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में अपना बोलबाला होगा, ठीक है ना? क्या बात है यार, एक भी गोली नहीं लग रही है। एक बार और कोशिश करो। है इतनी देर से कोशिश कर रहे हो, गुब्बारा भी नहीं फोड़ सकते? इस एक्शन हीरो के होते हुए तुम फोड़ भी नहीं सकते। इधर लाओ, मैं सिखाता हूँ कैसे फोड़ते हैं। ए, ध्यान से देखो। ए, या। ये! 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 या! मैडम डायलॉग कैसा है पता है? बहुत अच्छा है। चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। ठीक है ठीक है। ये तो सिर्फ सादा वाला था, अब पंच वाला गोली मारेगा तब देखना। ये अच्छी तरह सुनिए मैडम, आर्टिस्ट तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो डायलॉग में मजा नहीं आएगा। अरे ये क्या हो गया? मैडम को गोली लग गई, गोली किसने चलाई? अरे ये क्या हो गया मैडम को? अरे जल्दी डॉक्टर बुलाओ। मैंने नहीं मारी, ऐसा बोला तुम लोग। ऐसा क्यों बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा कि
उस दिन मैडम के बाल में आग लगाई और आज उनकी पीठ पर गोली मारी, तो मुझे डायरेक्टर बनने देगा कि नहीं? सर, उन्हें बिना देखे गोली मार, अगर उन्हें देखते तो सीने पर मारते क्या? एक ही दिन में एक्शन हीरो बनकर सीएम बनने का सपना देखना गलत है। कड़ी मेहनत से ही एक्शन हीरो बन सकते हैं। अगर हमें लोग चाहेंगे तभी हम सीएम बन सकते हैं। मैं आज ये समझ गया हूँ, अब ये पंचमाला चुप नहीं बैठ सकता है, क्योंकि जब पंचमाला पैदा हुआ था तो 5 लोगों को मार कर पैदा हुआ था। You are under arrest. आप कौन है सर? मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। तो आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? 5 लोगों को मारा, तुमने खुद कबूल किया। वो तो सिर्फ डायलॉग है सर। मुझे भरोसा नहीं। आहा, स्वामियों की बात का भरोसा कर लेते हैं और हम भक्तों पर कोई भरोसा नहीं करता। उधर देखिए सर, इसके क्या सर, आप इतने सारे कार्ड लेकर आ गए? आपको जो डिजाइन पसंद हो मैं वही प्रिंट कर दूंगा, सोच रहा था। ये डिजाइन कैसा है सर? नमस्ते। नमस्ते, आप हैं मिस्टर गंगाधर? नमस्ते। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। इन्हीं के पास काम करके मैंने ये स्टेटस हासिल किया है। ये शादी भी इन्हीं के कहने से हो रही है। आपकी बेटी की शादी के दिन ही मेरी बेटी की भी शादी हो रही है। कार्ड अलग अलग डिजाइन क्यों, एक ही डिजाइन के रखते हैं? हो, ये भी ठीक है। क्यों विनीत, अपनी शादी में भी यही डिजाइन का कार्ड बनाते हैं? अच्छा है ना, यही डिजाइन सही रहेगी ना? क्यों सर, लगता है आपके बेटे को कार्ड पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों, अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा। तो ठीक है, हम भी यही कार्ड प्रिंट कर देते हैं। थैंक यू, अब हम चलते हैं। नमस्ते। अच्छा सर, सर मैं बाहर तक छोड़कर आता हूँ। बिल्कुल ठीक। बच्चे, कार्ड देखकर तुम्हें शौक लगा ना? बचपन में मेरी बेटी के साथ खेलने से मना किया था ना, और अब तुम उससे शादी के ख्वाब देख रहे हो। दूल्हा कौन है पता है? एमपी का बेटा। अगर तू चाहता है कि तेरी बहन की शादी हो तो एमपी के बेटे से मेरी बेटी की शादी होने दे। पहले ही तेरी वजह से तेरी बहन की शादी रुक गई थी, अब दोबारा ऐसा हुआ तो तेरा बाप अपनी जान दे देगा। बचपन में जब आप हमें नीचा दिखाना चाहते थे तभी मैं आपको जवाब दे सकता था, पर मां ने रोक लिया। अब आप मेरे प्यार को मुझसे छीन रहे हैं। अब अगर मैं चाहूं तो आपके साथ कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी बहन के लिए आपको छोड़ रहा हूं। उस दिन तेरी बहन की शादी रुक गई थी तो कितना दुखी हो गया था, लेकिन ये रिश्ता उससे भी ऊंचे खानदान में हुआ है। एक तरह से तो उससे अच्छा ही हुआ था। नमस्ते। नमस्ते। हेलो अंकल। नमस्ते, बैठो बैठो। संगीता, शादी के कार्ड प्रिंट करने को दे दिया, बस अब एक ही काम रह गया है। मेरी बेटी लगन मंडप में बैठेगी और दामाद जी उसे मंगलसूत्र पहनाएंगे। विनीत, अच्छा है ना? हाँ अच्छा। अरे ये बुरा थोड़ी कहेगा बेटा, अच्छा ही कहेगा। नीचे बैठकर बता, अच्छा है ना? तुझे पसंद नहीं है तो दूसरा ले लूंगी। नहीं, देखो ना ये साड़ी के ऊपर ये सेवर कैसे लगेंगे, ये सेट देखो ना। ये साड़ी अच्छी है, कलर देखना। तो बोल ना विनीत, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये वाली तू जो बताएगा वही लूंगी, ये देख अच्छी है ना।
क्या कर रहे हो? यहाँ कब आए? बस अभी आया। क्या जरूरी बात करनी है? सामने ही बताऊंगा कह रहे थे। बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? इस तरह चुप क्यों हो? बोलो ना। मैं I love you, Renu. I love you. हाँ रेनू, तुम्हारे साथ समय बिताकर कुछ ही दिन हुए, लेकिन तुम यहाँ नहीं हो ये पता चला तो मैं कितना अपसेट हुआ पता है? तुम पास नहीं होगी तो कितना अजीब लगता है। हाँ रेनू, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ पता है? 10 साल से जिस लड़के का प्यार मेरे दिल में बसा था उसे तुमने कुछ ही पल में मिटा दिया रेनू। झूठ मत बोलो चंदन, तुम्हारे दिल में तो बचपन से अनु ही बसी है। उस दिन स्टेज पर भी तो तुमने यही कहा था कि उसके आने का तुम इंतजार करोगे। वो एहसास तुमसे मिलने से पहले था। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा उसे पूरी तरह भुला दिया। वो कहाँ है मैं नहीं जानता, कैसी है मैं नहीं जानता, और वो इस दुनिया में है भी कि नहीं ये भी नहीं जानता मैं। ऐसी लड़की से भला कैसे प्यार कर सकता हूँ मैं? सच कहता हूँ रेनू, अब मेरे दिल में सिर्फ तुम बसी हो। उस दिन तुमने कहा था ना, आज हाथ नहीं छोड़ोगे तो जिंदगी भर थामना होगा। मैं पागल था उस दिन हाथ छोड़ दिया, लेकिन सच कहता हूँ रेनू, अब हाथ नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। जब अनु को भुला चुके हो तो उसकी घड़ी अब तक तुम्हारे पास क्यों है? हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, उसकी दी हुई घड़ी मैं क्यों रखूं? रेनू? रेनू नहीं, अनु। यस, तुम्हें रेनू बताकर आई, अनु मैं ही हूँ। स्टेज पर तुम्हारी बातें सुनकर हमारा प्यार कभी नहीं मिटेगा मैं ये सोचकर बैठी थी। मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई थी, तुम्हारी आंखों में जिसका सपना बसा है और तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो लड़की मैं ही हूँ। तुम्हारा प्यार कुछ नहीं, सिर्फ एक अट्रैक्शन है। अपने बचपन के प्यार को कुछ ही पलों में मिटा कर रख दिया, क्यों चंदन क्यों? अनु के बजाय रेनु बनकर जो मेरी तुमसे पहचान हुई उससे मैं तुम्हारी असलियत जान गई। कल थी अनु, आज रेनु, और कल कोई और रहेगी। यू आर अ चीट, यू आर अ फ्रॉड। आई हेट यू, आई हेट यू। हे विनीत, हे तुम यहाँ कैसे आए? अनु अभी यहाँ से गई है। हम दोनों बहुत देर से बातें कर रहे थे, वो बहुत खुश हुई। ए नाटक क्या कर रहा है? अनु को रुकर जाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा, उसकी आंखों में आंसू तुझे कौन सा फायदा दे रहा है? आंसू ही बहाना है तुझे? रोना है तुझे तो रो और रो, इस बारिश के रुकने तक रोता रहे, तब जाकर शायद तेरे दिल का दर्द कम होगा। ए रो, रो। हेलो। अरे रेनू, मैं शिवराम बोल रहा हूँ। इस हफ्ते की कहानी का क्या हुआ? रेनू, रेनू तुम रो रही हो? सर मैं बहुत परेशान हूँ, अब मैं कहानी नहीं लिख सकती, आगे की कहानी मैं नहीं जानती। क्या आगे की कहानी के बारे में क्या जानूं? आप चाहे तो अनु के करेक्टर को मार दीजिए सर। क्या कह रही हो, अनु को मार दूं? बेटी मैं तुमको रिस्पॉन्सिबल समझता था, तुम बीच में ही छोड़ने की बात कर रही हो। सर मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज सर। हेलो हेलो रेनू। क्यों पापा, क्या हुआ? तुम्हारी फ्रेंड रेनू इस हफ्ते की कहानी मांगी तो कहती है लिखवा लीजिए, और चाहे तो अनु के करेक्टर को मार दीजिए, और पता है वो रो रही थी। क्या वो रो रही थी? विनीत, ए श्रुति, शादी का कार्ड मिला ना? हाँ मिला, अनु की शादी का कार्ड मिला। विनीत, तुम उसके लिए कितने साल तक इंतजार करते रहे मैं जानती हूँ, अब तुम दोनों के मिलने का वक्त आ गया है, तो अचानक तुम्हें क्या हो गया? छोड़। विनीत, वो नहीं बताएगा,
उसके बहन की जिंदगी प्यार से बढ़कर है। कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। लगता है इसका मूड ठीक नहीं है। चलो बाहर चलते बाहर चलते हैं। चलो। श्रुति, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने के लिए आई हूँ। तुम जो कहानी लिखती हो उसमें विलन नहीं है, लेकिन तुम्हारी रियल लाइफ में एक विलन है। हा? और वो दूसरा कोई नहीं, तुम्हारे पापा है। क्या कह रही हो तुम? दिलीप बहुत अच्छा लड़का है। Try to understand him. मुझे अभी चंदन से मिलना है। आओ मेरे साथ। कहाँ जा रही हो? डैडी, मैं चंदन से मिलने जा रही हूँ। श्रुति, डैडी, डैडी प्लीज। चुप रहो। डैडी, डैडी प्लीज मुझे चंदन से मिलने दीजिए। डैडी, बैठो। प्लीज डैडी। चलो। हेलो। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ मंडप पे ही आ रहे हैं। ए, पकड़ो उसे। ठीक है साहब, चलो। हेलो सर, क्या हुआ? वो हाथ से निकल गई सर। ठीक है, वापस आओ। वो कहाँ गई है मुझे पता है। त्रिवंते राजा वर्ण त्रिवंते जो बृहस्पति के त्रिवंत इंद्र शांग्रणा यात्रिया ध्रुवम ओम शुक्लां भरदनम विष्णुं शिववर्णं चतुर्भुजं। हाँ हाँ मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ए, तू इधर क्यों खड़ा है? मेहमानों का कौन ध्यान रखेगा? ध्यान मेरा हर तरफ है। यहाँ सब लोग कपड़े पहनकर अच्छे से बैठे, लेकिन सिर्फ एक आदमी जो शर्ट नहीं पहनने की जिद कर रहा है। वहाँ क्या देख रहे हैं? उधर देखिए, वही शर्ट पहनने से मना कर रहा है। जा, जा यहाँ से। ओके ओके। आइए आइए, कैसे हैं? बैठिए। थैंक यू। कहाँ है, कहाँ है मेरी बेटी? सर मैं नहीं जानता सर। नहीं जानता? साला नाटक करता है। ये क्या कर रहा है सर? आप मेरे बेटे पर हाथ क्यों उठा रहे हैं? मेरी बेटी को भगा कर ले गया सर। बेटी को भगा कर ले गया? ए विनीत, ये सब क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। ए, ये नाटक करना बंद कर। मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने भाग गई। अरे वो भागेगी नहीं तो क्या करेगी? जिससे प्यार करती है उसे शादी करवाने का बोलकर किसी एमपी के बेटे से शादी करवा रहे हो। उसने सही किया। सर हम लोग बाद में बात कर लेंगे, पहले शादी हो जाएगी। अरे क्यों उन्हें बोलने से रोक रहा है? इस शादी के लिए तूने अपने अरमानों का, अपनी खुशियों का गला घोट दिया। बोलने दे मुझे। इस शादी के लिए तूने अपने प्यार को ठुकरा दिया। तेरी बहन की शादी हो जाए इसलिए तूने ये सब किया, बोलता क्यों नहीं है? अरे बोलना, तू बताएगा या सब मैं बताऊं? ए विनीत, मैं जानता हूं तो कभी झूठ नहीं बोलता। ये जो बोल रहे हैं वो सच है क्या? कैंटीन वालों के 7 रुपए कर्ज है ये कहकर तू मेरा मजाक उड़ाया करता था। मैं उसका कर्जदार तो नहीं रहा बेटा, लेकिन तेरा कर्जदार जरूर बन गया हूं। तेरा कर्जदार जरूर बन गया हूं बेटा। इतना सब होने के बाद ये शादी नहीं होनी चाहिए। बेटे को इधर आ। लड़के को उठा कर ले आओ। Oh!
हमने बहुत कोशिश करके देख ली, अब सब भगवान के हाथ में। प्रे फॉर हिम, आई एम सॉरी। उसको बचा लीजिए डॉक्टर। अनु, thank you।